युद्ध का माहौल तैयार कर रहा पाकिस्तान, सीमा पर तैनात किए एसएसजी कमांडो, स्पेशल ग्रुप कमांडो। इसके साथ पाकिस्तान ने बहुत सारे कदम उठाए इंडिया के खिलाफ। आइए एक एक करके सभी जानते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना पर अटैक और भारतीय सीमा में हालात खराब करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के करीब 100 से अधिक एसएसजी कमांडो की तैनाती की है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से तल्ख हुए भारत पाकिस्तान के रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ कश्मीर मामले पर हर ओर से मिली हार ने पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ा दी। दोस्तों, इसी खिसियाहट में वह भारत से जंग शुरू करने का माहौल बना रहा है। दोस्तों, इमरान खान ने परमाणु बम से हमले की धमकियां के बीच पाक सेना ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक एसएसजी कमांडो फोर्स को तैनात किया है। वहीं नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए पाक की बॉर्डर एक्शन टीम बैट और आतंकी मिलकर भारतीय सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पाक अपनी इस हरकतों से दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान कश्मीर पर केंद्रित करना चाहता है, ताकि दूसरे देश भारत पाक के बीच मध्यस्थता का मार्ग तलाश सके। ये उसकी चाल है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपने सभी विदेशी दूतावास में एक कश्मीर डेस्क भी गठित किया है, जिससे जम्मू कश्मीर में भारत के फैसले के खिलाफ वो अपना राग अलाप सके और अपना प्रपंच सबको दिखा सके। सूत्र बताते हैं कि हाल में अफगानिस्तान से 100 से अधिक आतंकियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भेजा गया है। इसके अलावा जैसे मोहम्मद के करीब 15 आतंकी नियंत्रण रेखा के नज़दीक पाकिस्तान के लिपा घाटी में रुककर घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि घाटी में वह बर्फ गिरने से पहले पाक अपने आतंकियों को कश्मीर में दाखिल करवाना चाहता है। इसको लेकर मसूद अजहर का भाई इसका प्लान तैयार कर रहा है। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर ने भी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के एजेंडे पर हावलपुर स्थित ठिकाने पर अपने टॉप कमांडरों से चर्चा की। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने कहा कि नियंत्रण रेखा से लगे पीओके क्षेत्र के कोटली, रावलकोट, पाक मुजफ्फराबाद में आतंकी शिविर प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी सेना के सहयोग से दोबारा सक्रिय हो गए हैं। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अगले कुछ हफ्तों में भारत के कई शहरों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी क्षमता कम और क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे आतंकी रोधी अभियानों के चलते आतंकियों के पास नेतृत्व का भी अभाव है, जिसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने और सारे कदम उठाए। आइए आपको बताता हूँ। पहला कदम उनका ये है, जो पहले बालाकोट के बाद उनका एयर स्पेस बंद था और आज उन्होंने वापस से कराची एयर स्पेस बंद कर दिया है। उसके साथ साथ वो चर्चा कर रहे हैं, जो इंडिया का माल अफगानिस्तान जाता था पाकिस्तान के रूट से, उस पर वो बंदिश लगाने वाले है। और कश्मीर का मसला लेकर उन्होंने वापस यूएन को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में राहुल गांधी का उस ट्वीट का जिक्र किया गया है, जिसमें वह सरकार के फैसले से थोड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली विपक्षी के नेता है तो थोड़ा नाखुश तो दिखाना ही चाहिए, लेकिन इसका पाकिस्तान ने फायदा उठाकर वहां पर उनको यूज़ कर लिया यूएन में चिट्ठी के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज ही की खबर है कि जब जैसा राहुल गांधी को लगा कि पाकिस्तान उनका मिसयूज़ कर रहा है, उनके ट्वीट का हवाला देते हुए यूएन में चिट्ठी लिखी जा रही है, तो उन्होंने तुरंत सफाई दी कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, हम केंद्र सरकार के फैसले से जरूर थोड़े नाखुश हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडिया का मामला है, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। तो इन्होंने करारा पाकिस्तान के गाल पर तमाचा जड़ दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके सफाई दी है कि जो भी मैं बोलूँगा मैं अपने देश के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन बाहर वाला कोई नहीं बोल सकता है। ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू दोस्तों, आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगा रहेगा। तो थैंक यू सो मच।